हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के हमने लेक्चर में लोड ट्रांसफॉर्मेशंस देखी थी, आज उसी से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। सो वी हैव गिवन 2714। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट a इज इक्वल टू i ऑफ n a। व्हाट इज a? 2714। व्हाट इज i? i ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एंड हियर इज a। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 बनाना है। सबसे पहला काम क्या होता है, अपना a 1 1 को 1 बनाना। अब 2 को 1 कैसे बना सकते हैं? इफ वी डिवाइड r2 r1 बाय 1 बाय सॉरी 2, अगर मैं 2 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करता हूं या 2 को 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां पे 1 बन जाएगा 1। यहां पे 1 बाय 2 7 4 1 बाय 2 0 0 1 a। क्लियर है स्टेप? अब वन की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। सेवन को सेवन माइनस सेवन जीरो, अगर मैं यहां पे सेवन से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जीरो आएगा। ओके, सो आर टू ऑपरेट या आर टू माइनस सेवन आर वन, सेवन टाइम्स आर वन किसमें चेंजेस होगा? सेकेंड रो में वन जीरो वन बाय टू 4 माइनस 7 बाई 2, यार 4 माइनस 7 बाई 2, 4 टू 8, 8 माइनस 7, 1, यार वी हैव 1 बाई 2, 1 बाई 2, 0, एंड यार माइनस 7 बाई 2, यार 1, इज इट क्लियर? ओके, अब 1 आ गया, 0 आ गया, अब क्या 1 बनाएंगे? 1 बाई 2 को 1 बनाएंगे, कैसे बनेगा? If we pray R2, sec 2 of R2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते सेकंड रो को तो अपने पास आ जाएगा 1, 1 by 2, 0, 1. Is it clear? Here, 1 by 2, 0, and minus 7, and 2. Is it clear? 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब यहां पे 0 रह गया, कैसे बनाएंगे? R1 माइनस, अब 0 को बनाने का एक सिंपल सा वे है कि सेम टर्म को सेम टर्म से सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो R1 माइनस यहां पे 1, अगर 1 को 1 2 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सबट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा? 0। क्लियर? जहां पे डाउट हो देख लेना, पहले अच्छे से क्वेश्चन को देखो। माइनस सेवन टू, वन बाई टू माइनस ऑफ माइनस प्लस सेवन बाई टू, सो वन बाई टू प्लस सेवन बाई टू, व्हाट वी हैव? एट प्लस एट बाई टू फोर। वहां पे क्या आ गया? माइनस वन बाई टू जीरो माइनस टू इंटू वन बाई टू, व्हाट वी हैव? वन। इज इट क्लियर? तो अपने पास यहां पे क्या आ गया? ए इनवर्स। अब यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार होगी तो अपने पास ए इनवर्स क्या आ गया? 4 माइनस 7 माइनस 1 2। इज इट क्लियर? अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका ये आंसर ठीक है या गलत है तो दोनों के प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। गिवन नंबर और जो आपका आंसर आया 2 फॉर द ए माइनस 7 2 वन द 2 प्लस 2, हियर 7 फोर जा 28 माइनस 4 7 जा 28, 7 वन जा 7 4 2 जा 8, व्हाट वी हैव? 1 0 0 1। अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। इज इट क्लियर? ओके, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और करेंगे। So this is equal to A matrix.
So what we have, A is equal to IN of A 2153 1001 आ गया हमारे पास। अब तक हमने क्या किया, हम इस नंबर को इटसेल्फ से डिवाइड करते जा रहे थे तो 1 आ रहा था। अगर आप देखो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो चेंज किसमें हो रहा है, R1 में हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, 2 माइनस 1 5 माइनस 3 ये आ गया अपने पास 1 माइनस 0 0 माइनस 1 इंटू ए। अब क्या हो रहा है ना, 0 1 माइनस 1 0 सो R2 माइनस R1 इसमें चेंजेस हो रहा है, R2 में 1 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस ऑफ माइनस 1 1 प्लस 1 2 इज इट क्लियर। ओके सो आगे क्या करते हैं, ये 1 ऑलरेडी बन चुका अपने आप ही तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी छेड़ेंगे नहीं इसको। 2 माइनस 2 अगर हम यहां पे 2 माइनस 2 करते हैं तो 0 बन जाएगा। देखो यहां पे अब यहां पे 1 आ गया था 0 आ गया 1 इस 2 को 0 बनाना है। अगर मैं सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 2 कर देता हूं तो 0 बन जाएगा। इफ वी डू R1 माइनस डबल ऑफ R2 तो किसमें चेंजेस हो रहा है, R1 में चेंजेस हो रहा है ना। तो 1 माइनस 2 इंटू 0 1 बट 2 माइनस 2 देयर इज अ 0 0 1। अब यहां पे देखते हैं R2 तो सेम है, R2 में तो कोई चेंज नहीं है। 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 इज इट क्लियर। अपने पास ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो गया अपनी। तो A इनवर्स क्या हो गया, 3 माइनस 1 माइनस 5 2। अब अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो 3 माइनस 1 माइनस 5 2 को कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि वेरिफिकेशन ये सिर्फ आप लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, इसका कोई काम नहीं है। अगर आंसर ठीक है देन आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपको वेरिफिकेशन ही पूछेगा वो। 2 3 जा 6 5 1 जा 5 2 5 जा 10 5 2 जा 10 3 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 6 व्हाट वी हैव 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये ठीक है, क्लियर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी के रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।